यस मैम, क्या है? यस मैम। अभिजी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड दिल्ली द्वारा मिक्सर ग्राइंडरों का निर्माण किया जाता है, उसे रायपुर के वितरक से 100 मिक्सर ग्राइंडरों का ऑर्डर प्राप्त हुआ। ठीक, कहाँ का है? देखो, दिल्ली का दिख रहा है, दिल्ली का। और कहाँ से ऑर्डर मिल रहा है उसको? रायपुर का। ठीक, नेक्स्ट देखो, एक मिक्सर का कॉस्ट कितना है? 1350, पैकिंग 50 रुपीज, व्यापारिक बट्टा मतलब ट्रेड डिस्काउंट, बीमा, फिर फ्राई मतलब भाड़ा, लोडिंग चार्जेस, इंटरेस्ट चार्ज, क्या निकालने वाला है क्वेश्चन में, टैक्सेबल वैल्यू एंड फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी इफ रेट ऑफ टैक्सेस 18%। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम, यस मैम। कॉलम बनाओ पार्टिकुलर अमाउंट करके जल्दी से। मैम, हाँ, आप जो होमवर्क दी थी उसमें इतना सारा जीएसटी का परसेंट था, तो सब में अलग अलग लगेगा। वैसा एक क्वेश्चन करवाई थी ना बेटा, उसमें कैसे करवाई थी बताओ। शायद मैम अटेंड नहीं की होंगी मैं। अच्छा, कोई नहीं, अपन डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लो उसको, ठीक है? यस मैम। पर्टिकुलर अमाउंट करके कॉलम बनाओ जल्दी से। बनाया सबने? यस मैम। विजिबल है सबको बोर्ड? यस मैम। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? देखो क्या लिखेंगे, सबसे पहले ट्रांजेक्शन वैल्यू लिखो, साथ साथ बनाते चलो, सब साथ में बनाओ ट्रांजेक्शन वैल्यू और कैलकुलेट करके अमाउंट बताते जाओ। बताओ कितना आएगा? एक मिक्सर का कॉस्ट है 1350 और है कितने? 100। तो क्या आएगा अमाउंट? 1,35,000। हाँ, 1,35,000। फिर इसमें ऐड करते हैं अपन, क्या करेंगे ऐड? देखो पैकिंग चार्जेस, फिर क्या है, पैकिंग का कितना दिया है? देखो 50 × 100 कितना आएगा पैकिंग का? 5,000 आ जाएगा। फिर क्या ऐड करना है उसमें पैकिंग के बाद? इंश्योरेंस, डिस्काउंट अपन बाद में दे देंगे, पहले ऐड वाला कर लेते हैं। इंश्योरेंस देखो कितना दिया है, ये 1,000 रुपये। फिर क्या दिया है देखो, फ्राइट कितना दिया है? 14,000। फिर लोडिंग चार्जेस कितना दिया है? 2,900। देरी से भुगतान की दशा में फिर क्या लिखा है इसमें? इंटरेस्ट कितने का दिया है? इंटरेस्ट 2,000 का। ठीक, ये मैं हटा रही हूँ यहाँ से, है ना, 1,350 को। या आप यहीं पे इसके साथ लिख लेना 1,350 × 100। टोटल करो इन सब का कितना आएगा बताओ? 900। हाँ, 24,900 सबका आ रहा है। ऐड करो 135 + 24,900, जल्दी से टोटल करो सब। ठीक है, फिर अपन लेस करेंगे इसमें। क्या करेंगे लेस? ट्रेड डिस्काउंट। देखो ट्रेड डिस्काउंट कितना दे रहा है? 1,350 पर 10% की दर से, तो
1350 कौन सा कॉस्ट है? ट्रांजेक्शन वैल्यू, ये तो 1350 का 10% और कितने हैं अपने पास 100, तो 135 × 100 हो जाएगा 13,500, माइनस करो वो आएगा अपना टैक्सेबल वैल्यू 146,400। सबका ये आ रहा है 146,400 आ रहा है सबका? यस मैम। यस मैम। जीएसटी लगाऊं? क्या लगाओगे जीएसटी? 99% 99% लगाओगे। कौन बोला? सौम्या मिश्रा। मारूंगी ना बेटा, स्टार्टिंग में जब समझा रही हूँ, ये दिल्ली का है, ये रायपुर में भेज रहा है, तो दिल्ली कहाँ पे है? एक अलग यूनियन टेरिटरी। रायपुर कहाँ है? सीजी में। तो क्या लगता है? सॉरी मैम, आईजीएसटी। आईजीएसटी आ रहा है समझ में? क्या लगता है वहां पे आईजीएसटी? चलो ऐड करो, ये तो टैक्सेबल वैल्यू है और जीएसटी अलग से निकालने वाला है। तो सेकंड कॉलम बनाओ, कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी पेबल। टैक्सेबल वैल्यू लिखो 146,400, फिर यहाँ लगाओ आईजीएसटी एट द रेट ऑफ 18%। क्यों आईजीएसटी लगा? रीजन समझ में आया? सेम स्टेट का नहीं है, देखो ये दिल्ली का है और ये कहाँ का है? ये रायपुर का है। समझा कुछ मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम। यस, तो निकालो 18% कितना आएगा? 26,352 आ रहे समझ में? ये देखो, ये 26,352 आया, ये आंसर, ये आपका यहाँ पे सेकेंड आंसर टैक्सेबल वैल्यू। चलो, मैंने लास्ट क्लास में एक होमवर्क दिया था, मुझे सिर्फ एक ही स्टूडेंट ने उसका आंसर भेजा, बाकी किसी का आंसर क्यों नहीं आया बताओ? याद ही नहीं रहा होगा कि कोई क्वेश्चन भी मिला है। क्लियर करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन डालूं स्क्रीन पे? यस मैम। सब दीपक, युद्धवीर, श्वेता, रेशमी, बताओ बेटा। कविता? यस मैम। क्लियर कर दूं? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट देखो, चलो कॉलम बनाओ जल्दी से, मैं स्क्रीन पे क्वेश्चन कर रख रही हूँ। पर्टिकुलर बनाओ, अमाउंट बनाओ जल्दी से। ये देखो, एक इंग्लिश में है, एक हिंदी में, दिख रहा है क्वेश्चन? देखो शिम्मी है ना, ने 5,30,000 रुपए में एक मशीन की पूर्ति के लिए निम्न शर्तों पर अनुबंध किया तथा मशीन की पूर्ति कब की? 15 दिसंबर 2019 को, है ना? शिम्मी मशीनरी, मशीन की वैल्यू कितनी है? 5,30,000। ठीक है, तो लिख लो कॉस्ट ऑफ मशीन। नेक्स्ट देखो, मशीन के मूल्य में निम्न व्यय शामिल हैं। इज इंक्लूडेड, अगर इंक्लूडेड है तो आएगा क्या? नो मैम। मैम
याद रखना, अगर मशीन के मूल्य में निम्न व्यय शामिल है तो ये बिल्कुल भी नहीं आएगा। नेक्स्ट देखो, तो मशीन परीक्षण, पैकिंग, विक्रय उपरांत, डिजाइन, ये चारों के चारों नहीं आएंगे। डिजाइन, आफ्टर सेल सर्विस, पैकिंग और मशीन टेस्टिंग नहीं आएगा, मतलब कैंसिल। नेक्स्ट देखो, माल एवं सेवा कर जीएसटी की दर जून में 28% एवं दिसंबर में जीएसटी की दर कब है? 18। तो कौन सा वाला लेंगे? जून वाला कि दिसंबर वाला? जिस समय पूर्ति होगी, मतलब ये कब पूर्ति हो रही है? 5 दिसंबर है ना, ये 15 दिसंबर, 5 बोल रही हूँ। तो जीएसटी का रेट कितना था तब? 18%। तो आप लोग वही लोगे। नेक्स्ट देखो, प्राप्तिकर्ता के कारखाने में मशीन की स्थापना के लिए पूर्तिकर्ता ने 28,000 रुपए के भाड़े एवं 22,000 रुपए फिटिंग व्यय के रूप में अलग से चार्ज किए। देखो, अलग से चार्ज कर रहा है किसका? फ्राइट और फिटिंग का। देखो, 28,000 फॉर फ्राइट और 22 फॉर फिटिंग, तो इसको ऐड करो। ठीक है, ये कॉस्ट ऑफ मशीन लिखना, ऐड करना क्या, फ्राइट कितना? 28, फिटिंग 22, तो टोटल करो वो जाएगा टैक्सेबल वैल्यू मैम 5,80,000। जीएसटी कितना लगाओगे? 18%। टोटल करो 18%। बताओ, ₹1,04,400। ठीक, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है, रायपुर का है, दिल्ली का है, तो आपके पास ऑप्शन है, सीजीएसटी करके भी लिख सकते हो, एसजीएसटी भी, या फिर सिर्फ जीएसटी लिख सकते हो। 99% देना। चलो अमाउंट बताओ, टोटल करो, अमाउंट ऑफ इनवॉइस बताओ। मैम 6,84,400। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यस मैम। अब देखो नेक्स्ट, जल्दी से प्रोफॉर्मा बनाओ पर्टिकुलर अमाउंट करके। यस मैम। अब नेक्स्ट देखो, पर्टिकुलर अमाउंट, क्वेश्चन रीड करो जल्दी से। नमन सिरेमिक्स लिमिटेड जो कि टाइल्स निर्माता है, अपने वितरकों को टाइल्स की पूर्ति निम्न शर्तों पर करती है। बीजक मूल्य पर प्लेन टाइल्स प्रति कितना है? 340 रुपीज। और प्रिंटेड, ये देखो प्लेन टाइल्स का 340, ठीक है, और प्रिंटेड का देखो 430। पैकिंग कितना है? 20 रुपए, जो कि बीजक में अलग से चार्ज की जा रही है। अलग से अगर हम उसको चार्ज कर रहे हैं, इट मींस क्या करेंगे बताओ? ऐड करेंगे कि क्या करेंगे? ऐड करेंगे मैम। नेक्स्ट देखो, व्यापारिक बट्टा दिया 25 रुपए प्रति पेटी। फरवरी 2019 में निर्माता द्वारा 500 पेटी प्लेन टाइल्स एवं 360 पेटी प्रिंटेड टाइल्स का निर्गमन किया गया। ठीक है, तो प्रिंटेड का कितना है? 360। ये और इसका प्लेन टाइल्स का कितना? 500 पेटी। ये
कलर देखना ना, ये ब्लू वाला एक का है और ये पिंक वाला एक इसमें जा रहा है। कंपनी ने फैक्ट्री से वितरकों के गोदाम तक पहुंचाने का भाड़ा दिया है अलग से, केंद्रीय माल एवं के अंतर्गत 18% का लगाऊं। किसी को डाउट है? ये देखो प्लेन टाइल्स कितने का है, 340, वो कितने देने हैं 500, प्रिंटेड टाइल्स 430 रुपए का, देने कितने हैं 360। चलो स्टार्ट करो, इनवॉइस प्राइस लो। करो, चलो अमाउंट बताओ मेरे को। फर्स्ट का 180,000। 180,000 है, 170 मैम, 70 है ना, गलत कैलकुलेशन बता दो। कौन बताया गलत कैलकुलेशन? नेहा। हाँ मैं कंफ्यूज हो गई मैम, कैलसी खराब हो गया, अभी सही आ गया। अच्छा एग्जाम में जब मैं चेक करूंगी या कोई दूसरा टीचर चेक करेगा और वो क्वेश्चन गलत करेगा तो क्या बोलूंगी उसको? मैम हर टाइम सही आता है, इस टाइम गलत हो गया था, अभी की तो आ गया 170। इसका मतलब है कैलकुलेटर बदलो, समझ में आया? हाँ चलो इसका टोटल बताओ मेरे को। मैम 324,800 ऐड करो। 324,800 हाँ ऐड करो, पैकिंग चार्जेस 20 रुपीज ना पर बॉक्स पे, तो कितने बॉक्सेस हैं 500 और 360 बॉक्सेस, 500 और 360 17,200 342,000 ठीक है, फिर क्या करेंगे माइनस, ये देखो 25 रुपए तो 25 रुपए प्रति पेटी, तो 25 इंटू क्या कितनी पेटियां हैं, 800, ये देखो 860, ये 500 पेटी और ये 360, 21,500 रुको ना 860 तो इसका अमाउंट आएगा 21,500 टोटल करो 320,500 टैक्सेबल वैल्यू। ठीक फिर जीएसटी लगाओ, जीएसटी कितना दिया है देखो 18%, केंद्रीय जीएसटी और राज्य जीएसटी, देखो कैलकुलेट करने बोला है, सीजीएसटी और एसजीएसटी कितने रेट से डालोगे, 9%। चलो टोटल करो, कैलकुलेट करो, 3,20,500 का मैम 9% आएगा, 28,845 मैम, और टोटल करने से आएगा 57,690 इसका, चलो टोटल करो। और इनवॉइस प्राइस 3,78,190 ठीक है, कहीं डाउट है किसी को? देखो अब ये वाली वैरायटी के क्वेश्चंस बहुत हो गए, ठीक है, ये टॉपिक जो सप्लाई वाला था ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन किए हम लोग मेरे ख्याल से, इससे भी ज्यादा, इसमें डाउट है अब वैरायटी में, अब फिर वैरायटी चेंज करेंगे अपन। मैम एक क्वेश्चन जिसमें हम जीएसटी पहले से इंक्लूडेड रहते हैं वो वाला क्वेश्चन करना है, ठीक है, और किसी को देखो बताओगे नहीं वैरायटीज तो मैं कैसे करवाऊंगी,
देखो जीएसटी इंक्लूडेड वाली वैरायटी करनी है, और जो अपन स्टार्टिंग में दो क्वेश्चन किए थे याद है, मिस्टर सितेश मैं आपसे बात कर रही हूँ। यस मैम, बस उतने ही क्वेश्चन है तुम्हारे इसमें, इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, अब थोड़े से टफ क्वेश्चंस पे आते हैं। एक क्वेश्चन होमवर्क दी थी ना मैं आप लोगों को, बनाया वो क्वेश्चन? यस मैम। चलो मैं ना एक क्वेश्चन की डिटेल्स बता रही हूँ, सब नोट करो, सिंपल बता रही हूँ। ठीक, देखो CIF प्राइस ऑफ मशीन, CIF क्या होता है? मशीन का मूल्य, CIF क्या होता है? नेहा बताओ। बताओ पैकिंग चार्जेस। देखो बस दिया है 40 रुपीज, तो सबका अलग अलग कॉलम बनाओगे। मैं ये क्वेश्चन करवाई थी इस टाइप का एक क्लास में, पर्टिकुलर और अमाउंट लिखा है, तो रेडियो का अलग बनाओ, टेप रिकॉर्डर का अलग बनाओगे, सीडी का अलग से बनाओगे और वीसीडी का अलग से बनाओगे। ये चार कॉलम बनाओगे अलग अलग, ये रहेगा आपका यहाँ पे पर्टिकुलर। ये क्वेश्चन था लास्ट क्लास का होमवर्क वाला, जिसने नोट नहीं किया था ये नोट कर लेना। इसमें से MRP निकालो, रेडियो कितने हैं 540 और एक का प्राइस कितना है 760, तो 540 इंटू 760 करो 4100। टेप रिकॉर्डर का करना 1316000, इसको करना इससे 7 लाख और इसको इससे करना 4,80,000। फिर इस क्वेश्चन में मैंने आपको एक चीज दिखवाई थी, पैकिंग चार्जेस जैसे 40 रुपए था तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 15 रुपए पर पीस था, इंश्योरेंस था 1% ऑफ इनवॉइस प्राइस, कैश डिस्काउंट दे रहे थे 3% का और 30% ट्रेड डिस्काउंट भी था। तो अगर अकाउंट्स पढ़ा है आप लोगों ने बीकॉम फर्स्ट ईयर में अच्छे से, तो उसमें पता होगा कि ट्रेड डिस्काउंट के बाद कैश डिस्काउंट दिया जाता है, तो ट्रेड डिस्काउंट है 30%, इसलिए माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट 30%, ये आ जाएगा 123120, ये आ जाएगा 394800, 210,000, ये हो जाएगा 1,44,000। अगर इसको माइनस करोगे जो भी अमाउंट आएगा 287,280, इसमें आएगा आपका 921200, यहाँ हो जाएगा 4,90,000 और इधर हो जाएगा 3,36,000। और जैसे ही ट्रेड डिस्काउंट हुआ तो तुरंत कैश डिस्काउंट देना, कैश डिस्काउंट 3% है, देखो ट्रेड डिस्काउंट 30 था, इसका 3% निकालोगे आप, ये जो अमाउंट आया है इस पे 8,618,27,636, यहाँ हो जाएगा 14,700 और यहाँ आ जाएगा 10,080, ये आ गया आपका नेट प्राइस। तो ये आएगा आपका 278,662, 893,564 आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका
475300 और यहाँ पे आ जाएगा 325920। अब इसके बाद देखो ये कैश डिस्काउंट हो गया, कैश डिस्काउंट के बाद जो अमाउंट बचेगा इसके बाद आप लोग ऐड करना, क्वेश्चन में दिया था फ्राइट, ये देखो ये फ्राइट आपको क्वेश्चन में कितना दिया है, 15 रुपए पर पीस, तो 15 रुपए पर पीस के हिसाब से आप लोग लेना, सबमिट ऐड करोगे कितना आएगा, 8100 आएगा यहाँ पे, यहाँ आएगा 10,500, यहाँ पे हो जाएगा 3,000 और यहाँ पे हो जाएगा ये 600। फिर इंश्योरेंस, ये देखो ये इंश्योरेंस था 1% है, किसका, इनवॉइस प्राइस, यानी ये एमआरपी वाला जो था ना, ये वाला, ये फर्स्ट वाला इनवॉइस प्राइस था इसका 1%, क्या इंश्योरेंस, तो 4104 यहाँ पे आ जाएगा 13160 7000 और यहाँ पे आ जाएगा 4800। सेम इसमें पैकिंग ऐड कर देना 40 रुपए पर पीस, तो 40 रुपए लेना एक एक पीस का, जो भी अमाउंट आएगा इसमें ये तीनों को टोटल करके जो भी अमाउंट आएगा वो आपका हो जाएगा टैक्सेबल वैल्यू। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, टाइम लेफ्ट होने वाला है इसका। इसके बाद जो भी आया है पैकिंग का 40 रुपए दिया है तो सबको ये 540 × 40, 700 × 40, 200 × 40 और 40 × 40 करना, पैकिंग जोड़ देना, जो भी आएगा टोटल आएगा टैक्सेबल वैल्यू, और फिर उस पर जीएसटी लगाना, जो भी अमाउंट आएगा सबका सिंगल सिंगल आ गया, अब एक पे लगाना 5%, इस पे लगाना 12, इस पे लगाना 18 और इस पे 28। ठीक, अब बन जाएगा क्वेश्चन।